हम लोग आज इंस्टॉल करने जा रहे हैं रेकॉल कंपनी का 3 लीटर इंस्टेंट गीजर। गीजर इंस्टॉल करने का आसान सा तरीका आप लोगों को बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। हेलो, गीजर को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हमारा गीजर अनबॉक्स हो चुका है और नई वारंटी कार्ड है। ये देख पा रहे हैं, ये हमारा इनलेट है, ये कोल्ड वाटर के लिए। ये आउटलेट है, ये हॉट वाटर आउटपुट होएगा। ये वारंटी कार्ड है, 2 साल का वारंटी है। ये हमारा गीज़र, हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट्स है इसमें ही अपना गीज़र हैंगिंग होएगा। आपके 2 पॉइंट का मेजरमेंट के हिसाब से आपको दीवार में ड्रिल करना है, और ड्रिल क्या मेजरमेंट करके आपको ड्रिल करना है वो हम लोग अभी बताएंगे। आपको मेजर लेना है, दोनों बीच का सेंटर सेंटराइज करना है। आप देख सकते हैं दोनों का सेंटराइज 2 इंच आ रहा है। अब ऊपर से भी मेजर करना है, आपको सीलिंग से कितना छोड़ना पड़ेगा। आपको गीजर से 1 इंच, सीलिंग और गीजर के बीच में 1 इंच की स्पेस देना है। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है 5 इंच, 1 इंच स्पेस देने के बाद देख रहे हैं प्रॉपरली 5 इंच आ रहा है। और ये देख सकते हैं हमारा 2 इंच आ रहा है सेंटर, दोनों जो ड्रिल होएगा 2 इंच का डिस्टेंस मेंटेन करें। लेफ्ट साइड में गर्म पानी का आउटलेट है और राइट साइड में ठंडा पानी का इनलेट है। सीलिंग से 5 इंच का मेजर करके हम लोग मार्किंग कर चुके हैं। हमारा 2 इंच का मार्किंग है, एक जो ड्रिलिंग होएगा यहाँ होएगा और दूसरा जो ड्रिलिंग होएगा यहाँ होएगा। ये दोनों का डिस्टेंस 2 इंच है। और ये हमारा हॉट एंड कोल्ड है, इसका सेंटर पकड़ के हम लोग मार्किंग किए हैं। इसके सेंटर पे हम लोग गीजर इंस्टॉल करेंगे। अभी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग स्क्रू फिट करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा स्क्रू है, और उसको आपको स्क्रू फिट करने के पहले आपको कुछ पैकिंग देना पड़ेगा। हमारा दोनों स्क्रू फिट हो चुका है, आप तो देख सकते हैं दोनों का मेजरमेंट 2 इंच है। ये गीजर का इटालियन कनेक्टर है, हॉट एंड कोल्ड लाइन में हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको गीजर के लिए इटालियन कनेक्टर, तार वाला कनेक्टर का ही यूज करना है, पीवीसी कनेक्टर का नहीं। पीवीसी कनेक्टर टेम्परेचर से ख़राब हो जाएगा। गीजर का इनपुट एंड आउटपुट में कनेक्टर फीड हो चुका है, अभी हम लोग गीजर इंस्टॉल करेंगे। ये पॉइंट देख रहे हैं, ये स्क्रू में जाके लॉक होएगा, और लॉक होने के बाद गीजर हैंगिंग हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारा गीजर हैंगिंग हो चुका है, गीजर लग चुका है। अभी हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। गीजर का इनलेट एंड आउटलेट में अलग एंगल कॉक फिट करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा जैकवर कंपनी का एंगल कॉक है, ये गीजर का पॉइंट में कनेक्टेड होएगा। गीजर का जो इनलेट एंड आउटलेट है वहाँ फिट होएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ फिट होएगा, और दूसरा लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है वहाँ फिट होएगा। प्लम्बिंग का कुछ भी फिटिंग लगाने का पहले आपको पॉइंट को सीमेंट से ग्राउटिंग कर लेना है। इनकेस लीकेज हुआ तो टाइल के अंदर से पानी नहीं जाना चाहिए, लीकेज हो तो पानी का फ्लो टाइल का बाहर आना चाहिए। ये आपको मास्टली ध्यान में रखना है। अलग गीजर का इनलेट एंड आउटलेट में एंगल को फिट कर लेते हैं। अब ऐसा पकड़ से टाइट करेंगे तो एंगल कॉक में नल पे स्क्रेच आ गया। आपको पकड़ का यूज नहीं करना है, आपको एक्सटेंशन लगा के इसको टाइट करना है। आपको ऐसे एक्सटेंशन लगाना है और आपको हाथ से ही टाइट करना है। एक्सटेंशन के अंदर आपको स्क्रू ड्राइवर डाल के भी आप टाइट कर सकते हैं, बॉक्स वन अंदर डाल के भी टाइट कर सकते हैं। हमारा कोल्ड वाटर जो एंगल कॉक है वो लग चुका है, और गीजर का आउटलेट है जो उसमें भी एंगल कॉक लग चुका है। हम लोग कनेक्टर एंगल कॉक में फिट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग लेफ्ट साइड का जो हॉट लाइन है उसमें कनेक्टर फिट कर रहे हैं। राइट साइड में कोल्ड है, इसमें भी हम लोग एंगल कॉक में कनेक्टर फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद आपको हर एक कनेक्टर को पकड़ से प्रॉपरली टाइट देना है। लूज रहेगा, प्रॉपरली टाइट नहीं होएगा तो लीकेज का इशू होएगा। आपको उसको प्रॉपरली टाइट देना है, फिट करना है। गीजर इंस्टॉल हो चुका है और कनेक्शन भी हो चुका है।
ये हमारा इलेक्ट्रिक का पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक के लिए कनेक्शन होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।